बीते करीब दो दशकों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी उम्मीद इंफोसिस हुआ करती थी, और हो भी क्यों ना, देश की ये दिग्गज कंपनी भर भर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती थी। लेकिन अब वो पुराने दिन नहीं रहे। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली आईटी कंपनियां धड़ाधड़ कटौती कर रही हैं। हाथ खोलकर कैंपस प्लेसमेंट करने वाली इंफोसिस ने 2024 में रिक्रूटमेंट के मामले में मुट्ठी भींच ली है। इंफोसिस ने 2024 में कैंपस से सिर्फ 11,900 रिक्रूटमेंट किए थे। कंपनी ने खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। पिछले साल के मुकाबले की संख्या 76% कम है। बीते साल इंफोसिस ने 50,000 से ज्यादा छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट किया था। फिलहाल कंपनी के पास कुल कर्मचारियों की संख्या 3,17,000 है। बीते दो दशकों में नौकरियां देने के मामले में दिलदार रही देश की बड़ी आईटी कंपनियां तेजी से नौकरियों में कटौती कर रही हैं। कुछ जगह नई हायरिंग फ्रीज है तो कुछ में नौकरी देने की रफ्तार धीमी है। हाल ही में सिर्फ इंफोसिस के खराब आंकड़े नहीं बता रहे, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर में रिक्रूटमेंट के नाम पर दूरी बनती हुई नजर आ रही है। बीते एक साल में TCS, इंफोसिस और विप्रो ने कुल मिलाकर कर्मचारियों की संख्या में लगभग 64,000 की गिरावट आई है। बीते एक साल में इंफोसिस में जितनी तेजी से कर्मचारी घटे हैं, उतनी गिरावट 20 साल में देखने को नहीं मिली। वित्त वर्ष 2024 के दौरान इंफोसिस के 25,994 कर्मचारियों की कमी उनको देखने को मिली। वहीं TCS के कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो उसकी संख्या 13,249 की कमी दर्ज की गई। इंफोसिस की गिरावट इसलिए भी काफी ज्यादा है क्योंकि TCS के मुकाबले इंफोसिस के कर्मचारियों की संख्या लगभग आधी है। नौकरियां जाने के मामले में विप्रो भी कम नहीं है। बीते साल यहां 24,516 कर्मचारियों की कमी देखी गई। इसके अलावा कई छोटी आईटी कंपनियों और स्टार्टअप बंद होने के कारण नौकरियां स्थायी रूप से कम हो गई हैं। अब इसका असर भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो नौकरियां कम होने का सीधा असर तो जॉब की मौजूदा मांग पर पड़ेगा। आईटी कंपनियों में जॉब कट के चलते बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की जॉब गई है। ऐसे में पहले ही यहाँ पर संकट है। वही हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको बता दें कि पास आउट होने वाले लाखों युवाओं के सामने भी प्लेसमेंट का संकट है। ये कंपनियां भी जॉब देने के मामले में काफी दिलदार रही हैं। आपका कॉलेज रिप्यूटेड है, रैंकिंग अच्छी है, तो ये कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में भर भर के जॉब देती थी। अगर कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आई तो वॉक इन में भी मौके आपको मिलते थे। लेकिन जब 64,000 से ज्यादा जॉब कम होंगी तो इन छात्रों के भविष्य पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देश के युवाओं के बीच MCA जैसे कोर्स के प्रचलित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये मोटी सैलरी वाले जॉब थे। लेकिन अब जब IT जॉब में कमी आएगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने वालों में कमी आएगी। ऐसे में इन जॉब कट का जो असर है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अब जरा जान लेते हैं कि इन छटनियों की बाढ़ आखिर आ क्यों रही है, इसकी वजह क्या है। तो कंपनियों ने कोरोना महामारी के दौरान ही छटनियों की शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत हायरिंग में कटौती से हुई थी। इन कंपनियों ने पहले नई भर्तियों पर रोक लगाई, उसके बाद वर्क फोर्स में नई एंट्रियां बंद की, इसके बाद शुरू हुआ छटनियों का सिलसिला। नौकरियों में कटौती के पीछे आर्थिक संकट ही वजह है। ज्यादातर कंपनियां इस समय नकदी संकट से जूझ रही हैं। कई कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दौड़ शामिल है। इसकी वजह से उनका फोकस AI की जानकारी रखने वालों को खुद से जोड़ने पर है। ऐसे में पुराने लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि लोगों की जॉब जाना किस हद तक उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मरीना 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।